stroll by and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience, featuring exceptional ghost-inspired food in a beautifully designed atmosphere. नमस्कार नुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम जो है बाबा लोकनाथ जी के मंदिर पर हैं और आज यहाँ पर जो है अन्नदानम हो रहा है, तो उसी विषय में जो है हमारे साथ जो इस मंदिर के जो पुजारी ने माँ जी भी जो हमारे साथ है, कमला मंडल जिनका नाम है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं और आज जो यहाँ पर अन्नदानम जो हो रहा है उनके बारे में भी इनसे जानते हैं और बाबा लोकनाथ जी के बारे में भी इनसे हम जो सब सुनते हैं। बाबा लोकनाथ, हम बहुत परेशान में था तो अचानक एक दिन एक घर जाके देखा था कि कोई लोग बोलता है कि बाबा लोकनाथ का नाम पर इतना शक्ति है, तो मेरा लाइफ ऐसा था कि सोचने का तरह नहीं, मुंह से बोल नहीं पाएगा। लेकिन जो दिन से बाबा का हम आवाज़ सुना है वो दिन से मेरा आस्ते 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 दिनों बदलते जाता है। तो बाबा बोला है कि हर भक्त का अंदर में हम है, तुम लोग देखते रहो, जगाओ मेरा को इधर में। हम दो मरा वाला बच्चा गाड़ा था इधर में, गाड़ने के बाद मेरा को सपना में आदेश किया है उन्होंने, ये जगह में मेरा को बैठाओ, हम बैठेगा ऊपर में पापी लोग भर जाएगा, नीचे हम उद्धार करने के लिए बैठेगा। तो हम हिम्मत नहीं मिला है। अचानक एक लड़की बीमार हो गया था, उन्होंने फांसी खाया था, डॉक्टर ने बोला जितना दिन हो बचेगा पैरलिस होकर रहेगा। तो हम ड्यूटी में था उस टाइम, हम बोला देखो ये बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरा पास आएगा, तुम लोग लेके आया। ये बाबा का कहानी हम पढ़ा है, तो पढ़ के जैसा उसके बॉडी में फूका है, बच्चा उठ के खड़ा हो गया है, खड़ा होके चिल्ला दिया है, तो तुरंत उस लोग डिस्चार्ज करा के घर लेके चले गया। वो दिन से धीरे 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 एक एक तकलीफ आता है, एक एक तकलीफ आता है। मेरा इधर में डस्टबिन बनाया है, पूरा टॉर्चर किया है, लेकिन बाबा बोला तुम पीछा मत जाओ आगे बढ़ो। हम वो शब्दों लेके आगे बढ़ता है, बहुत मजाक उड़ाते लोग, बहुत कुछ बोलते लोग, लेकिन हम पीछा नहीं जाता। एक एक पेशेंट ऐसा ऐसा कंडीशन का लेके आता, क्यों मेडिकल का बीमार मेडिकल ठीक होगा, भगवान के पास में जो बीमार है जैसा हवा पकड़ता, कोई कोई डर जाता, कोई को अचानक अचानक कुछ कोई बीमार आ जाता, तो कहाँ से ठीक होगा, मेडिकल 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 करके लास्ट में जब ये मंदिर में आता, बाबा का बस बाबा का पानी, बाबा का विभूति, बाबा का तेल यूज़ करता है, बाबा का कहानी से झड़ाता है, वो पेशेंट ठीक हो जाता। कोई पेशेंट आके मंदिर बनाने के लिए खर्चा देता, कोई पेशेंट बड़ा बर्तन दिया है, अभी फिलहाल उसमें खिचड़ी बनता है, उधर में खीर बनता है उधर में। तो आपका ये कहना है सब जो है आपकी मतलब भक्तों की देन है, यहाँ पर जो भी है भक्त ने ही दिल खोल कर जो भी है दिया है, ये जो दिया वाला चीज है हर भक्त दिल खोल के दिया है। आज जो इधर में अन्नदान होता है, भिक्षा मांगा है लोग का द्वार द्वार में, भिक्षा मांग के हम करने गया, हर भक्त, कोई भक्त 50 kg चावल दिया, कोई भक्त 50 kg दाल दिया, कोई भक्त 100 kg आलू दिया, कोई भक्त 100 kg कुमड़ा दिया, कोई भक्त कड़वा तेल का टीना दिया, ऐसा कर करके ऐसा हुआ कि और एक पूजा हो सकता है। सुबह से अभी तक जो है कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी देखकर ऐसा लग रहा है करीबन जो है 300 से 400 लोग तो यहाँ पर होंगे अभी, तो सवेरे से जब अन्नदानम स्टार्ट हुआ कितने लोग थे? नहीं नहीं करके तो हजार हजार पार होता ही है,
हार पूजा में सितंबर 4 जून 3 हार पूजा, जैसा मेडिकल में हम नौकरी करता है, आज देखिए हम छुट्टी मांगा है, 4 दिन का छुट्टी दिया है, लेकिन उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पाया है, गिर गया टांग में। थी सिस्टर, मेरा इंचार्ज है, मेरे को आज फोन में इतना डिस्टर्ब किया कि हम सोच नहीं सकते। बाबा बस पूरा रोया है, ये बाबा हम क्या गलती किया कि मर्डर किया कि किसी को कुछ गलत किया, 2 छुट्टी ज़्यादा किया, तो इसमें इतना पहाड़ पलटी क्या हो गया कि फ़ोन करके हम पूजा में बैठे उस टाइम मेरे को इतना डिस्टर्ब किया कि सोचने का तरह नहीं है। हम बहुत रोया, मेरा भक्त लोग भी बहुत रोया है कि ये इतना इतना फ़ोन करके इतना आपको सुनाता है, क्या बात है ये। हम तो देखो भाई, हम तो मर्डर नहीं किया, गलती नहीं किया, भक्त का सेवा का लिया करता है, तब मेरे को इतना क्यों जुल्म करता है, क्या गलती किया हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, बाप और बाबा जी के बारे में आपने बताया, तो आप एक चीज़ आप ये बता दीजिए कि आज जो यहाँ पर अन्नदान हो रहा है, तो आज ऐसा क्या है जिसके कारण जो है अन्नदान हो रहा है। वाला जन्मदिन है बाबा का, मरा वाला हमको तो बोल नहीं सकता, हम लोग बंगाली बोलते मृत्यु दिवस है, मृत्यु दिवस जून 3 तारीख बंगला महीना का 1900 ज्योष्ठ, 4 सितंबर और बंगला 18 तारीख 18 भाद्रो, ये है बाबा का जन्मदिन, और आज जो होता बाबा का मृत्यु दिवस। सपना में हमको जो आदेश दिया, ये आदेश हम मरते तक चाहते कि भक्तवृंद का आशीर्वाद चाहते हैं कि हम ये जन्म जन्म करने चाहता है, चाहे मेरा नौकरी जाओ मेरा घर द्वार जाओ, लेकिन हम ये नहीं छोड़ सकता है। आप लोग सब भक्त लोग मेरा को साथ दीजिए, आप लोग से हम भिक्षा मांगता है, हर भक्त का बस हम भिक्षा मांगता है द्वार द्वार में कि मेरा को आप लोग साथ दीजिए, हम आगे बढ़ने के लिए चाहता, चाहे मेरा नौकरी छोड़ देगा लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेगा, मेरा बाबा का भक्त को नहीं छोड़ेगा, आप लोग सबको मेरा को साथ दीजिए, हम भिक्षा मांगता है आप लोग का पास सब। एक बार बाबा जी के नाम का जयकारा लगा दीजिए। ओम शिवा शंभु ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा की जय, ओम शिवा शंभु ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा की जय, ओम शिवा शंभु ब्रह्मचारी लोकनाथ बाबा की जय। आज जो हम करने चाहता था हम पीछा गया था, ये जो बच्चा अचानक मेरा साथ मुलाकात हुआ, हम होता बेटा ये साल तो पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्यों पानी नहीं आए, ये बच्चा छोटा मोटा एक बिजनेस चालू किया, झटका से बोला ये पानी हम देगा, आज जो करता हुआ ये बच्चा का वजह से हम करता है कि ये पानी दान किया, 12,000 लीटर पहला दिन दिया, परसों भी 12,000 लीटर दिया, यही बच्चा दिया है। पानी दान नहीं होने से अन्नदान नहीं कर सकता, पानी दान अन्नदान ये दान बहुत पूरा दान है, बसरो दान, लेकिन हम ज्यादा नहीं कर सकते बोल के सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बसरो दान करता है। कोई कोई भक्त लोग भी चढ़ा के गया, कोई 11 कपड़ा चढ़ा के गया, कोई 21 कपड़ा चढ़ा के गया, कोई 50-1 चढ़ा के गया, हम खुद मेरा माँ का वजह से 101 चढ़ाया है, हम साल साल में 50-1 चढ़ाता है कि बाबा जो दिन से बोला वो दिन से हम हाथ जोड़ के बोलता, भिक्षा मांग के भी चढ़ाने से हम चढ़ाएगा। आप लोग आशीर्वाद करिए, हर भक्त लोग मेरा को अनुमति दीजिए कि हम आगे साल भी कर सकता, 4 सितंबर फिर आगे के लिए आप लोग सबको हमको साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको हमें बताना चाहते हैं कि जैसा पुजारी जी ने जो है बाबा जी के बारे में बताया, और सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद है, और आज जो है अन्नदानम चल रहा है यहाँ पर, देखिए लोग जो है यहाँ पर अन्नदानम का आनंद ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं आज जो है यहाँ पर अन्नदानम का लोग जो है आनंद ले रहे हैं, देखिए कितने तादाद में यहाँ पर लोग हैं। तो बस इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मैं रोहित कैमरामैन तरुण के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।